हेलो गाइस, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम जतिन है और मेरा चैनल है AM हॉलीडे, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं। और इस बार एक क्रिएटर कैंप हुआ है और क्रिएटर कैंप कुछ हटके हुआ है, उसकी वजह आप जानते हैं। वजह क्या है क्रिएटर कैंप हटके इसलिए हुआ, क्योंकि भैया हमारे देश में, यानी हमारे देश की क्या बात करूँ, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है। और कोरोना वायरस की वजह से ऑलमोस्ट जितने इवेंट्स हैं, क्योंकि हमारे घर की फैमिली की सबकी शादियाँ और बहुत सारे प्रोग्राम सब कैंसिल हो गए, तो बिल्कुल उसी तरह से 2020 का YouTube का क्रिएटर कैंप होना था, जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। मेरा फर्स्ट क्रिएटर कैंप था, क्योंकि उसके लिए क्वालिफाई करना होता भैया 10,000 सब्सक्राइबर, जो कि मैंने पिछले साल ही कर लिया था। पर किस्मत कह लो बहुत ख़राब थी और मेरा चैनल हैक हो गया था। सितंबर 2019 में मेरा चैनल हैक हो गया था, और चैनल मेरा जब वापसी आया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं क्रिएटर कैंप अटेंड कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी, बहुत यूट्यूब वालों को मेल करा, भैया मेरा चैनल वापसी कर दो और मुझे क्रिएटर कैंप अटेंड करना है। तो किस्मत अच्छी भी कहूँ या बुरी भी कहूँ, मैं तो कहूँगा बुरी ही कहूँगा, क्योंकि चैनल तो मेरा 2020 में मार्च में वापसी आ गया, पर क्रिएटर कैंप ही नहीं हुआ। और उस टाइम पे हो गया लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से भैया सब लोग घर पे फंस गए और हम भी घर पे फंस गए। और उस दौरान मैंने एक सीरीज भी बनाई थी, सोलो ट्रैवल सीरीज, अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे चेक कर लीजिए। अराउंड 10 दिन पहले 15 दिन पहले न्यूज आई कि भैया क्रिएटर कैंप हो रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया क्रिएटर कैंप हो रहा है। पर क्या बताऊं यार, क्रिएटर कैंप हो रहा है वो समझ आया, पर क्रिएटर कैंप ऑनलाइन हो रहा है वो समझ नहीं आया। मतलब एक उम्मीद थी भैया सबसे मिलेंगे, एक फैमिली होगी, यूट्यूब की फैमिली होगी, सबसे मुलाकात होगी, सबसे बातचीत होगी, हम आपस में एक दूसरे को जानेंगे, क्योंकि एक टाइम हो चुका है कि हम घर पे हैं। और यूट्यूब की फैमिली से और यूट्यूबर से और क्रिएटर से मिलना एक अलग ही चाम है। मैं सब लोगों से मिलना चाह रहा था, उनसे मिल के अपने चैनल के बारे में, अपने बारे में बताना चाह रहा था कि भैया मैं भी आपकी ही इस लाइन में पीछे पीछे हूँ भैया, और बहुत जल्द हम भी लैक्स और मिलियंस की लाइन पर आएंगे। पर किस्मत कह लो कुछ भी कह लो, तो भैया क्रिएटर कैंप हमारा हुआ ऑनलाइन। ऑनलाइन जो क्रिएटर कैंप हुआ, आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, क्रिएटर कैंप ऑनलाइन क्या हुआ। तो ये क्रिएटर कैंप हुआ 1 अक्टूबर 2020 को। तो उसके लिए हमने क्या करा, रजिस्ट्रेशन करनी थी, ये मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होने जरूरी थे। यूट्यूब स्टूडियो पे आपको नीचे एक लिंक आया होगा क्रिएटर कैंप का, आप जब उस पर क्लिक करा होगा तो शायद आपने रजिस्ट्रेशन करी होगी, मैंने भी करी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं वेट कर रहा था क्रिएटर कैंप कैसे होने वाला है, कहाँ होने वाला है। तो जस्ट एक दिन पहले एक मेल आया कि भैया आपको ऑनलाइन आना है, ऑनलाइन बैठ के इन सब चीज़ों की, इन लोगों की बातें सुननी है, वो लोग कौन थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, इनका शेड्यूल था। 1 अक्टूबर का 1 बजे दोपहर को ये क्रिएटर कैंप स्टार्ट हुआ, तो ईशान ने इसको स्टार्ट करा और होस्टिंग करा था। सबसे पहले अगर मैंने बात करूँ क्रिएटर कैंप की, तो शुरुआत जो हुई यूट्यूब के डायरेक्टर डेवलपर माइकली यदा, सबसे पहले इनका एक सेशन था, तो इनकी एक स्पीच थी कि इन्होंने एक बात बताई जो कि बहुत नॉलेजफुल थी, कि इंडिया में 2016 तक सिर्फ 20 लोग थे जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे। कौन थे वो ये मुझे नहीं मालूम। और उसके बाद उन्होंने बताया कि 2020 में आज की डेट में 2500 से ज्यादा लोग हैं जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो यानी ग्रोथ की बात की जाए तो बहुत तेजी से ग्रोथ हुई। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी, और ये मैंने बात अपने दिमाग में बैठा लिया, ग्रोथ यानी आने वाला टाइम बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। इनका 30 मिनट का सेशन था, उसके बाद अगला फिर सेशन शुरू हुआ, ये एक और है हिम ईशान मैदान, इनका क्रिएटर कैंप हुआ। और कुछ जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, शायद ब्यूटी आर्टिस्ट हैं, इन लोगों के साथ इनकी बातचीत हुई। ये सेशन चला अराउंड 50 मिनट का, मैं सेशन का आपको दिखाता हूँ क्या सेशन चला, आप देखिए थोड़ी बातचीत जो हुई। तो थोड़े थोड़े मैंने क्लिप्स निकाले हैं आपको दिखाने के लिए। उसके बाद अगले 60 मिनट तक जो प्रोडक्शन और टिप्स और उसके ऊपर जो सेशन चला, वो चला सैलॉन पॉइंट, ये बहुत पॉपुलर यूट्यूबर क्रिएटर है, इन लोगों का 60 मिनट का सेशन चला। इस सेशन आप भी देखिए आपको समझ आएगा, मैंने छोटी छोटी क्लिप निकाली, क्योंकि बेसिकली मैं बताऊं मुझे जो एक्चुअल में इंतजार था, जिनके हम ब्लॉग्स देखते हैं, जिनके ब्लॉग से काफी चीजें सीखने को मिलती हैं और उनकी ग्रोथ देखने को मिलती है, मैं बेसिकली उनका वेट कर रहा था, क्योंकि काफी सारे लोगों का सर था, मैंने इनको नहीं जानता था, और यही जानने के लिए मैं क्रिएटर कैंप अटेंड करना चाहता था, जो कि ऑनलाइन हुआ। तो उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद फिर 75 मिनट का सेशन हुआ, जिसके अंदर यूट्यूबर्स ट्रेंड एंड रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी, यानी उन्होंने टिप्स गाइड्स वगैरह दी, और इसमें काफी सारे लोग थे। उसके बाद सबसे बढ़िया जो चीज मेरे को अच्छी लगी, उसके बाद लगी एक टीम यूट्यूबर सीजन, इन्होंने काफी फायदे की चीज बताई कि भैया अगर आपको यूट्यूब से कोई हेल्प चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, तो सिर्फ आप यूट्यूब के थ्रू ना रहें,
आप ट्विटर के थ्रू, उसके अलावा इंस्टाग्राम के थ्रू यूट्यूब के साथ जुड़े रहें। तो इन्होंने काफी यूजफुल बातें करी, कैसे ग्रो कर सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या चीजें आती है। इन्होंने, निहारिका कपूर है, मैनेजर है टीम यूट्यूबर की, ऑपरेशन की, तो इन्होंने काफी अच्छी बातें करी। और बातें आप थोड़ी बहुत मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिए आपको समझ आएगा बातचीत क्या रही थी। काफी अच्छी बातें करी और उसके बाद जैसे ही इनका मुझे पता चला तो भैया फटाफट मैंने ट्विटर पे नहीं था, मैं ट्विटर पे गया, अपने एक फटाफट अकाउंट बनाया। और उसके बाद क्योंकि मेरा चैनल हैक हो गया था, हैक होने के बाद मेरी ग्रोथ बहुत डाउन आ गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने फटाफट यूट्यूब टीम को मैंने मैसेज करा कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है, तो उन्होंने रिप्लाई भी बहुत इमीडिएटली करा। मैंने देखा कि भैया क्या एक्चुअल में ये जो कह रहे हैं वो सच था, तो उसका रिस्पॉन्स मुझे मिला। उसके बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक हुआ और उसके बाद जो असली चीज़ होने वाली थी वो ये थी, 75 मिनट का सेशन था इंडियन यूट्यूबर शाइनिंग स्टार, जो कि सबसे जल्दी और ग्रो करने वाले एक स्टार माने जाते हैं वो वाकई में आज की डेट में। इन्होंने इसमें 4 लोगों को इन्वाइट किया था, में से एक थे गौरव तनेजा, रितु राठी। गौरव तनेजा यानी फ्लाइंग बिस्ट बहुत पॉपुलर है आज के टाइम में। इनकी जो ग्रोथ है, इनका जो स्टाइल है और इनका जो काम करने का तरीका है काफ़ी लोगों को मोटिवेट कर रहा है। उसके अलावा गेमर, मोटल गेमर, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट और इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं पबजी में। काफ़ी बड़ी फैमिली है इनकी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स की, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा टेक बर्नर, यकीन मानिएगा ये काफ़ी हल्की उम्र के हैं और इनकी जो ग्रोथ है बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हुई है। टेक्निकल चैनल ज़रूर है पर उसमें मिर्च मसाला डाल के जिस तरह से ये बात करते हैं बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा वहाँ पर शिल्पा शेरवानी, अब शिल्पा शेरवानी के बारे में मैं ऐसे कहता हूँ तो मैं नहीं जानता, मैनेजर कॉन्टैक्ट पार्टनर लिखा हुआ, तो यानी ये यूट्यूब की तरफ से थी। ये 4 लोगों की बातचीत हुई। उसके बाद कनिष्क खन्ना का एक सेशन था आखिरी में और बहुत फायदेमंद सेशन था। आपको मालूम होगा यूट्यूब ने एक नई चीज़ लॉन्च करी है और वो चीज़ है एक शॉर्ट लाइक, इन्होंने मैं कहूँ तो टिकटॉक बंद होने का, जैसे इंस्टाग्राम ने कुछ करा है यूट्यूब वालों ने भी करा है। इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी बनाई है 15 सेकंड की, जिसके अंदर आप गाने वाने कुछ भी डाल सकते हो और शॉर्ट स्टोरी अपने लोगों तक तो मैसेज कर सकते हो, जैसे हम इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं, चीज़ें डालते हैं। पर मुझे एक चीज़ सच्ची में नहीं समझ आई कि वो शॉर्ट स्टोरी हमारी उसी लाइब्रेरी में जहाँ पे हमारी दूसरी वीडियोज़ अपलोड होती हैं वो भी वहीं पर इकट्ठी होती है, क्योंकि मैं देख रहा था शायद उसका एक अलग कॉलम बना हो, जैसे लाइव स्टोरी स्ट्रीम का, लाइव का और अपलोडिंग का अलग अलग पार्ट होता है, तो शॉर्ट स्टोरी का अलग पार्ट होगा शायद, वो नहीं था। तो शॉर्ट स्टोरी उसी के अंदर थी, 15 सेकंड की स्टोरी बनती है जिसके अंदर आप गाना भी अपलोड कर सकते हो, सेम लाइक इंस्टाग्राम स्टोरी टिकटॉक जैसे बनाते थे, मतलब ऑल ओवर आपके पास जो भी एंटरटेनमेंट है या किसी को मैसेज देना 15 सेकंड का, तो वो यूट्यूब ने नया लॉन्च करा और इसके बारे में किशान खन्ना ने बताया और ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने इसको यूज़ भी करा आज, मैंने अपने एक चैनल पे, क्योंकि मेरे गेमिंग चैनल भी है तो उस पे मैंने आज यूज़ करा, क्योंकि आज मैंने स्ट्रीमिंग नहीं करी तो स्ट्रीमिंग ना करने में मैंने एक मैसेज डाला। तो ऑल ओवर ये मतलब ठीक था क्रिएटर कैंप, पर एक्चुअल जो मज़ा मिलने जुलने का और एक इन्वायरमेंट का और लोगों से बातचीत करने का होता है वो मज़ा नहीं आ पाया। तो सब बढ़िया लगा, सब कुछ अच्छा लगा, पर वो चीज़ें नहीं हो पाई जो मैं सोच के बैठा था, यूट्यूबर क्रिएटर कैंप अटेंड करूंगा, सब लोगों से मिलूंगा, अपने बारे में बताऊंगा, उनके बारे में जानूंगा, क्योंकि 1-to-1 मिलने का एक अलग ही मज़ा है। तो ऑल ओवर ये ऑनलाइन था, बहुत जल्द उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें नॉर्मल हो और हम भी क्रिएटर कैंप अटेंड करें और इन्जॉय करें। और आपको शायद समझ आएगा यूट्यूब का 2020 का क्रिएटर कैंप इंडिया का कैसा रहा, ये आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा लाइक कर देना, मेरे चैनल को सपोर्ट कर देना। ट्रैवल्स रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ आप चेक कर सकते हो, उसके अलावा मेरा गेमिंग चैनल है वो भी चेक कर सकते हो, उसके लिंक नीचे दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों नए हो सब्सक्राइब करके आना प्लीज़ ब्रो, मेरा चैनल हैक हो गया था उसकी वजह से यार ज़्यादा डाउन हो गया, प्लीज़ सपोर्ट करके आना। वीडियो अच्छी लगे शेयर भी कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।